निगम कर्मचारियों की मनमानी के विरोध में जिला व्यापार मंडल सोनीपत द्वारा आज निगम कार्यालय पहुंचकर जमकर निगम विरोधी नारेबाजी की गई। जिला व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि प्रशासन इसी तरह से अपनी तानाशाही दिखाएगा तो हम अपनी दुकानों को ताला लगाकर चाबी प्रशासन को सौंप देंगे। प्रधान संजय सिंगला ने बताया कि एक ओर तो सोनीपत में सड़कों में गड्ढे, पानी, सीवर, सरकारी संपत्ति का ठीक से रखरखाव, गृहकर सर्वे आदि अनेक मुद्दों को लेकर नगर निगम सोनीपत नाकाम रहा है और इन कर्मचारियों को इन बरसात के दिनों में जब प्लास्टिक की सबसे ज्यादा जरूरत है, ऐसे में शहर के व्यापारी जो हर आपदा और सामाजिक कार्यों में लोगों के काम आते हैं उनको टारगेट बनाकर पॉलीथीन को लेकर उनके मोटे मोटे चालान काटना शुरू कर देते हैं। व्यापारी राकेश चोपड़ा ने कहा कि निगम अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की कार्रवाई शुरू कर देता है। उन्होंने बताया कि जिन दुकानों की मंथली आईडी 25,000 नहीं है उनके चालान फीस 25,000 के काट दिए हैं जो कि सरासर गलत है। निगम वालों ने गलत काम किया, 25,000 के चालान काटे हैं। उनसे पूछे जहाँ पानी की निकासी नहीं है पहले वहां निकासी का इंतजाम किया जाए। पीने के पानी के लिए लोग तरस गए, पानी नहीं है, कोई किसका दे किसको, कोई फोन करके दे किसको। तो ये काम निगम का जिम्मा है, पानी लोगों को देना और सड़कों से पानी निकालना और सड़कें ठीक करना। उसमें तो इनकी आंखें जैसे हितग्राष्ट की आंखें थी, अंधा था, कुछ नहीं दिखता था, ऐसे निगम भी अंधा हो चुका है। इनको पब्लिक के लिए कुछ नहीं दिखाई देता, पब्लिक की जेब काटने के लिए दिखाई देता है। अगर ये काम नहीं हुआ, ये हल नहीं हुआ सिंगला साहब के नेतृत्व में, तो हम दुकानों की चाबी इनको पकड़ाएंगे और आज CM साहब आएंगे और उनका रास्ता ब्लॉक करेंगे। धन्यवाद। व्यापारी मंडल के सहयोग में आए हैं जो कि हमारे सिंगला साहब है, ये हमेशा समाज हित के कार्यों में लगे रहते हैं। इन्होंने पीछे एक मुद्दा उठाया था बारिश में पानी रुकने का, सीवर लाइन का और रोडों का। पूरे प्रशासन ने, नगर निगम प्रशासन ने जानबूझ के परेशान करने के लिए कि वहां पे भटकाव हो जाएगा कि जो खड्डे हैं वो बंद करने नहीं पड़ेंगे। ये व्यापारी मंडल के जो प्रधान है उनमें सहयोग करते हैं, तो इनको जानबूझ के भटकाने के लिए, मुद्दे को चेंज करने के लिए ये जो कार्य किया गया है, हमारे व्यापारी साथी जो है उनको परेशान करने का काम किया गया है। ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो राजनेता हैं ये इसी में सहयोग कर रहे हैं, कोई भी राजनेता इसमें सहयोग नहीं कर रहा है। अब भैया इनके जो काम हो जाए, यहाँ पर क्या है, जो भी राजनेता आता है वो कोई किसी की एजेंसी है, कोई गाड़ियों की एजेंसी लाता है। ये खड्डों से परेशान हमारी जनता है, लेकिन अगर कोई आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबाने का प्रयास और तरीका इन्होंने प्रशासनिक अधिकारी बदल दिया है और बदलने का कारण ही ये हमारा व्यापारी मंडल बदल इसका जो है रूप देख रहा है। जो सोनीपत के व्यापारी हैं जो बहुत दुखी हालत में होकर आज यहाँ कमिश्नर साहब के पास आए हैं और एक घंटे से निगम कमिश्नर इनको मिलने का समय नहीं दे रहा है, अंदर बैठे हैं दो तीन आदमी, मीटिंग चल रही है, बाहर पब्लिक परेशान है, जबकि मुख्यमंत्री द्वारा 11 बजे से आम जनता से मिलने का समय तय किया गया है। और हमारी सबकी मांग ये है कि सोनीपत में जहाँ सड़कों में खड्डे हैं, सीवरों में पानी नहीं चल रहा, सीवर रुके हुए हैं, बरसातों में दुकानों में पानी भर जाता है, लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था नहीं मिल रही, और हाउस जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसका सर्वे गलत है, उसके लिए लोग रोजाना परेशान है, जो महापुरुषों के चौक चौराहे हैं वो अटे पड़े हैं पोस्टर आदि से, बिल्कुल गंदगी है, सोनीपत का सौंदर्यीकरण नहीं है। पर जो निगम प्रशासन है इन मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाकर दुकानदारों को चलान काटकर पॉलिथीन के उनको तंग कर रहा है। हमारी मांग है कि पहले जो फैक्ट्री जो पॉलिथीन बनाती है उनको बंद किया जाए, इम्पोर्ट बंद किया जाए, जब पॉलिथीन नहीं मिलेगा तो दुकानदार कहाँ से लाएगा। और आज इस बरसात के मौसम में तो हर व्यक्ति प्लास्टिक की मांग करता है, और प्रशासन भी, जब प्रशासन को जरूरत होती है ये व्यापारी हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, चाहे कोरोना का समय हो या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा हो। जब तो ये व्यापारी ठीक है, अन्यथा अपने मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आम जनता का व्यापारी सबसे जो है ना सॉफ्ट कॉर्नर है, इसको तंग करना शुरू कर दो, अपने आप मुद्दे से भटक जाएंगे लोग। तो इसलिए आज हमारी मांग है जो चालान काटे गए हैं 25,000 के दुकानदारों के, जिनकी बेचारों की साल में जो है ना पूरे महीने में 25,000 की कमाई नहीं है, उनके 25,000 के चालान काटे गए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ आज इस निगम को अभी चेक कर लो, कोई सर्वे कर लो, अगर यहाँ पॉलिथीन नहीं मिलेगा तो हम जिम्मेवार हैं। जो अधिकारी चालान काटते हैं वो अपने घर में पॉलिथीन यूज करते हैं, तो फिर इन व्यापारियों का क्या कसूर। तो आज हम सब इन मांगों को लेकर, और जिस तरीके से जो अधिकारी जो दुकानदारों में जाते हैं, जैसे ED CBI इस तरह से छापे मारते हैं, दुकानदार के गले तक चेक करते हैं, ये कोई तरीका नहीं है आम दुकानदार को तंग करने का।